सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज है बहुत ही स्पेशल डे, श्री कृष्ण जी का जन्मदिवस है। आज रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ था, तो आज है जन्माष्टमी। और अपनी सोसाइटी में आज मटकी फूटने वाली है। एक्चुअली टेक्निकली देखा जाए तो मटकी कल फूटनी चाहिए, बट आज किसी ने मन्नत मांगी है तो आज एक मटकी दोपहर को फूटेगी, दूसरी मटकी रात को 12 बजे के बाद फूटने वाली है। तो अभी जस्ट गोविंदा आए हुए हैं, सारे लोग आ चुके हैं, तो भाई अपना तो जाना बनता है, बट बारिश जोरों से हो रही है तो मुझे कैमरा संभाल कर रखना पड़ेगा। सारे गोविंदा चले गए और हमने एक घंटे का नैप भी ले लिया। और यहाँ पे भी हमारे घर पे भी तैयारी चल रही है जन्माष्टमी के श्रृंगार की। मम्मी पापा ये फूल का कुछ ना कुछ कर रहे हैं और मैं भी जुड़ने वाला हूँ। डेकोरेशन करने में 2 घंटे ऑलमोस्ट लग गए और अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि डेकोरेशन कैसा हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1, 2 एंड 3। Thank you.
जैसे कि आप लोगों ने देखा कि हम गुजरातियों का कोई भी फेस्टिवल हो, कोई भी प्रसंग हो, कोई भी शादी हो, कोई भी कुछ भी हो, तो भाई गरबे के बिना काम ख़त्म होता ही नहीं है, त्यौहार ख़त्म होता ही नहीं है, या कुछ भी हो ख़त्म होता ही नहीं है। अभी डांडिया का शुरुआत हो चुका है, शायद आपको आवाज़ आ रही होगी, मैं दूर चला आया हूँ बिकॉज ऑब्वियसली कॉपीराइट इश्यू की वजह से थोड़ा दूर आना पड़ता है, और अभी डांडिया का चालू हो रहा है। अभी तो गरबा तो हमारे खून में लिखा हुआ है, तो भाई हम तो खेलेंगे और खेलने ही वाले हैं, बस हमें उसमें ही क्या संतुष्टि मिलती है। भाई मैं आ चुका हूँ अपने घर और यहाँ पे तैयारी हो चुकी है, सिर्फ 15 मिनट बाकी है 12 बजने में, और सारी तैयारियाँ ऑलमोस्ट हो चुकी है और अपने प्रसाद भी सारे रेडी हो चुके हैं। मेन पार्ट तो अभी है प्रसाद ही खाने के लिए, हम तो उसी के लिए बैठे हैं। ये किसी को नहीं मिलेगा, तो ले जा भाई, नहीं चाहिए अपने पास, ये केले है, ये है यार, ले ले ला ला। सब लोग बैठ चुके हैं, एक ही थाली में से सब चल रहा है। तो आरती हो चुकी है ख़त्म और यहाँ पे मटकी फोड़ की तैयारी चालू हो चुकी है। दो पैर की तो फूट गई और ये दूसरी नई लगाई है दो मटकी, तो ये लोग अभी थोड़ी देर में फोड़ेंगे। और अभी बजे रात के एक, क्या फोकस नहीं हो रहा है। तो भाई मटकी फूट चुकी है, जन्माष्टमी का त्यौहार खत्म हो चुका है और हमने मटकी फोड़ने के बाद हम लोग गए कुंभणिया भजिया खाने के लिए। हमारे घर से 20 से 25 किलोमीटर दूर है वो, और वहाँ पे खाने गए, बट वो भाई बंद था। और रास्ते में तो भाई जो जोरों से बारिश मिली है भाई, आधा घंटा वहीं पर खड़े रहे बट बारिश रुकने का नाम नहीं लिया। तो हमने सोचा भाई निकल लो, तो ये देखो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ एंड अभी आ चुका हूँ घर पे। अभी सुबह के बजे 5, देख लो भाई 5 बजे, और अभी वीडियो को एंड करने जा रहा हूँ। बट ये पूरा का पूरा देखा है तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दो, और ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, एक शेयर, एक कमेंट ज़रूर कर देना। बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन।